शाहजहाँपुर शहर में कोविड-19 कर्मचारी के ऊपर भोपाल में हुई लाठीचार्ज के विरोध में आज समस्त कोविड-19 कार्यकर्ता, समस्त कर्मचारी जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर देश हित में कोरोना काल में सेवाएं दी है, परंतु शासन के निर्देश अनुसार इसमें कुछ कोविड-19 कर्मचारियों को सेवा से निष्कासित कर दिया गया है। उसी विरोध में बीते दिन भोपाल में मुख्यमंत्री के सामने अपने प्रदर्शन और नौकरी के बर्खास्त से ऑर्डर को निरस्त करने के विरोध में भोपाल में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज कर बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई थी। इसी विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर अस्पताल परिसर में नारेबाजी की है। वहीं राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर व सांसदों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए मांग कर रहे थे, उन पर पुलिस ने जो बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया है, उसके विरोध में हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक एक दिन के अवकाश पर हैं। इसके विरोध में हम हमारे कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय और उनके द्वारा प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। शाहजहाँपुर से दिलीप स्वराज की रिपोर्ट।